कैसा लग रहा है ये आप जो हेडलाइंस इन दिनों बन रही है फ्लैश को लेकर उसे लेकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑब्वियसली मतलब अभी मतलब फ्राइडे को ही रिलीज हुई है फ्लैश 21 तारीख को, तो इतने जल्दी इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज, इतने बेहतरीन रिव्यू आने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए करियर में पहली बार मैं एक पुलिस वाली का रोल कर रही थी, पहली बार वर्दी पहनी थी मैंने, वो खास था। मेरे पिताजी ऑफकोर्स वर्दी वाले हैं, मतलब नेवी से रिटायर हुए थे, इंडियन नेवी से, तो वर्दी का एक खास हमारे परिवार में भी एक खास सेंटिमेंट है ऑब्वियसली, तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो क्योंकि हमारी जिस किस्म का कंटेंट फिल्में खास करके हमारी और अब वेब सीरीज जो बनी बनी है, ज्यादातर मेल हीरो जो होते हैं उनको अपने करियर में एक बार पुलिस वाले का रोल करने को मिलता ही है, वो एक माइलस्टोन होता है मेल एक्टर्स के करियर में, जबकि फीमेल एक्टर्स को जरूरी नहीं है कि हमें वो चांस मिलता है। कई सारी टॉप की एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने पूरा करियर निकाल दिया लेकिन कभी उन्होंने पुलिस का रोल नहीं किया। सो जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ये छोड़ना ही नहीं है ये मौका, तो मैंने फिर बिल्कुल ही बहुत उत्सुकता के साथ मैंने वो रोल को हाँ कहा। कितना स्पेशल था आपके लिए, जैसे आपने मेंशन किया आपके फादर रिटायर्ड नेवी ऑफिसर रहे हैं, उनके डिसिप्लिन, उनकी लाइफस्टाइल वो देखकर और इसमें आप खुद वो जी रही थी वो पल, आप पुलिस ऑफिसर थी, वो एक रिटायर्ड, वो उस टाइम एक नेवी ऑफिसर थे, कुछ रिलेट कर पाई आप उनकी लाइफस्टाइल और आपका इसमें जो रियल लाइफस्टाइल थी आपकी? हाँ, नहीं, आई थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स एक मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं था, एक ये जरूर था कि मुझे हमेशा याद है कि मेरे 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 फादर के अंदर एक बहुत एक प्राइड जो हमने देखा था यूनिफॉर्म को लेकर, और एक गर्व जो था यूनिफॉर्म को लेकर, लेकिन सिर्फ गर्व नहीं, एक बहुत एक कर्तव्य की भावना और ये कि जो आदर्श और जो असली आदर्श और मूल्य हैं जो ये वर्दी मतलब जो प्रतीक वर्दी जिस चीज के प्रतीक हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हीं लोगों को भी नहीं जो वर्दी पहन रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वर्दी का अपमान वही लोग या वही इंडिविजुअल्स कर जाते हैं जो एक्चुअली वर्दी पहनते हैं, है ना। तो वो एक जो एक अच्छे जिसे कहते हैं ना एक एक अच्छे और सच्चे अफसर के और एक भ्रष्ट अफसर के बीच में जो जो डिवाइड है वही आई थिंक सबसे बड़ी चीज है समाज में, कि एक अच्छा अफसर वर्दी वाला जिस किस्म का अच्छा काम वो कर सकते हैं वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो एक वो वर्दी का एक पावर भी है और उस पावर को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो कितनी शक्तिशाली चीज होती है, वो कितनी अच्छी चीज होती है। तो मुझे लगता है कि राधा का किरदार उस तरीके से ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किरदार है, उसके अंदर बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो वर्दी को लेकर जो उसकी अंदर वफादारी भी है और उसके अंदर वर्दी को लेकर जो शिद्दत की भावना है और वर्दी को लेकर जो एक सच्चाई है वो मेरे को मेरे पिताजी जैसे अफसरों और जो बाकी अच्छे जो कुछ अफसर हैं जिन्हें मैं जानती हूँ उनकी मुझे बहुत याद दिलाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है फ्लैश में जहाँ हम देखते हैं कि राधा ने आपको ऐसा लगता है कि राधा ने रिश्वत ली है, लेकिन वो सारे रिश्वत के पैसे उसी उस लड़की को खोजने में ही लगा देती है, वो रिश्वत के पैसे आगे दे देती है खबरियों को और मतलब वो तो वो प्रॉपर चैनल से भी काम कर रही है, वो इम्प्रॉपर चैनल से भी लेकिन काम वही कर रही है right. तो फिर वो रिश्वत रिश्वत नहीं लगती, वो उस रिश्वत से अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद रही है, वो उस रिश्वत को भी लगा रही है उसी काम में, उस लड़की को ढूंढने में। आप लोगों के साथ आपके फादर कितने स्ट्रिक्ट रहते थे बचपन में? मेरे फादर नहीं उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, ठीक ठाक स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरे फादर का बड़ा इंटरेस्टिंग वो था, वो हमें ना वो जो खुद एनडीए के कैडेट रह चुके थे नेशनल डिफेंस एकेडमी जहाँ पे ट्रेनिंग होती है जब आप क्लियर करते हैं एग्जाम और फौज में भर्ती होने से पहले, तो मेरे पिताजी एनडीए के सारे पनिशमेंट ना इम्प्रोवाइज कर करके हम बच्चों को देते रहते थे,
तो जैसे उन्होंने मारा बहुत कम, लेकिन इस टाइप का ना नील डाउन, मतलब घुटनों के बल पे खड़े हो जाओ और फिर घंटों ऐसे ही छोड़ देते थे हमको। वो हमको वैसे करके ऑफिस चले जाते थे और मीटिंग खत्म करके आते थे और फिर बोलते थे कि इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर मी यू विल नॉट मूव, मतलब अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए इज्जत है तो तुम हिलोगे नहीं, तो इमोशनल ब्लैकमेल भी दे दो। तो फिर हम वहां पे और मतलब 5 मिनट से ज्यादा घुटने के बल खड़े होने से क्या दर्द करते हैं घुटने। तो मैं और मेरा भाई जो जो 10 मिनट पहले तक एक दूसरे से लड़ रहे थे और जान लेने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के, फिर हमारे अंदर ऐसी ना एकता आ जाती थी कि अरे पापा कैसे यार हमें यहाँ खड़ा कर दिया ये। तो इस किस्म के हमने बहुत पनिशमेंट झेले हैं बचपन में। पहली बार ऑन स्क्रीन आपने वर्दी पहनी है, जब फर्स्ट सीन आपने शूट किया कैसा फील हो रहा था वर्दी में, हाउ स्पेशल वाज इट? I mean it was nice, but it was also I was very like मैं सही कर रही हूँ, मैं सबसे कर रही हूँ, कुछ गलत करना चाहिए। मतलब मैंने तो एक पुलिस हमारे जो कॉन्टेक्ट बने थे मैंने उनको एक्चुअली फोन करके कहा सर चलते कैसे हैं वर्दी में, चलते कैसे हैं, नॉर्मल चलते हैं और कैसे चलते हैं, अरे नहीं कोई खास चाल होती है क्या, कोई खास तरीका होता है क्या? He was like, नहीं स्वरा हम भी इंसान ही है। सो दैट वॉज वेरी फनी, बट आई रियली लाइक एक मुझे एक शॉट याद है कि वो जब वो पहनती है अपना और एक सीन है जहाँ राधा सस्पेंड हुई है और फिर उसको वापस रीइंस्टेट करते हैं तो उसको उसकी वर्दी वापस मिलती है, तो उस दिन जब वो वर्दी पहनती है और वो कैप लगाती है अपना, बहुत अच्छा शॉट है वो, जिसमें सही में आपको लगता है कि यार वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप जो आपको वर्दी जो आपको मतलब वर्दी की मर्यादा रखना में क्या एक अच्छा फीलिंग है, वो ऐसे फीलिंग जरूर आई मेरे अंदर, मतलब मुझे लगा कि वाओ। जिस तरह से हमने ट्रेलर में भी देखा है और स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में भी जो मैंने देखा है, काफी चैलेंजिंग किरदार लग रहा है, एक टफ कॉप। रियल लाइफ में देखा जाए तो आप आउटस्पोकन है, करेजियस है, बिंदास, यू ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट यू से। इसमें देखा जाए तो कितना रिलेट करती हैं आप अपनी पर्सनालिटी को रियल लाइफ से? देखिए मुझे तो एक्चुअली लगता है कि मेरी 3 पर्सनालिटी बन गई है, यू नो, एक तो जो जो रोल्स में करती हूँ, फिर जो ट्विटर पे लोग समझते हैं मेरी पर्सनालिटी है, और एक जो असली मैं हूँ जिंदगी में। तो आई थिंक दैट राधा का जो किरदार है वो शायद मेरे ट्विटर वाले अवतार से ज्यादा मेल खाता है, कि काफी बेबाक और काफी बिंदास और निडर और थोड़ी सी मतलब शायद थोड़ी सी जिद्दी और मनचली सी और जो पीछे नहीं हटेगी। तो ये ऑफकोर्स चीजें हैं, लेकिन मैं मतलब जैसे कि राधा फॉर एग्जांपल, अब वो चूंकि एक पुलिस वाली है तो गन को लेकर और एक सर्टन किस्म का जो वायलेंस है उसके अंदर, और उसके अंदर वो एक्चुअली इस लेवल पे है जहाँ पे उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो क्रिमिनल की जान भी ले रही है तो उसको, तो उसका फिलोसफी है कि ये तो ये जिंदा रहने ही नहीं चाहिए, इनको हक ही नहीं है जीने का। और एक जैसे राजा एक डायलॉग है जो बहुत एक्चुअली वायरल हुआ है और जो बहुत हिट हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे सेक्स ट्रैफिकर्स चौपाटी पे नंगे खड़े हों और मैं मशीन गन से उड़ा दूँ। अब मुझे इस किस्म की यू नो इंस्टेंट जस्टिस और इस किस्म की डेथ सेंटेंसिंग अपने मन से कि हम जनता ही दे दे इंसाफ, तो इस इन चीजों में मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि एक न्याय की प्रक्रिया है और एक न्यायालय है और एक न्यायतंत्र है और उसको अपना काम किया करना चाहिए। एक फेयर ट्रायल जो है वो एक्चुअली मुजरिम का भी हक होता है, तो क्योंकि वो हमारी सभ्यता का नियम है, यू नो, तो वो ये किस्म की चीजें। बट देखिए अब एक्टर का काम है कि हमें हमारा कर्तव्य है किरदार निभाना, किरदार से हम सहमति खाना नहीं खाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप सहमति नहीं भी अगर खाते हैं किरदार से या मेल नहीं खाते उनकी बात से, फिर भी हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है कि हम फिर भी बखूबी वो किरदार निभाएं, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को वो बात से सहमति है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपके 3 अलग अलग किरदार है, एक जो आप ऑन स्क्रीन जैसे दिखती हैं, ट्विटर अवतार है और एक रियल लाइफ अवतार है। ट्विटर और रियल लाइफ अवतार की बात करें तो कोई कितना डिफरेंस कितना है उन दोनों में? क्या ट्विटर पर स्वरा भास्कर की जो इमेज या जो अवतार हमें दिखता है, क्या रियल लाइफ में वो वैसी नहीं है?
नहीं मतलब मुझे लगता है कि देखिए अब ट्विटर यू नो ट्विटर एक ऐसा जगह है जहाँ इतना वाद विवाद चल रहा है सारे टाइम, कोई ना कोई झड़प, किसी ना किसी चीज पे मुद्दा, किसी ने किसी चीज पे हाँ ना का बहस। मुझे लगता है कि उसपे जो जो किरदार निकल के आता है अक्सर वो कुछ ज्यादा ही लड़ाकू लगेगा, वो ज्यादा ही कुछ ज्यादा निडर लगेगा, कुछ ज्यादा बेबाक लगेगा, कुछ ज्यादा हो सकता है बदतमीज लगे। मुझे लगता है कि मैं आम जीवन में एक्चुअली बहुत ही हाँ डेफिनेटली मैं जिद्दी हूँ और मैं जो मेरे अपने विश्वास हैं और जो मेरे अपने ख्याल हैं उनको लेकर मैं अडिग हूँ और मेरे आदर्श या मूल्य हैं उनको लेकर अडिग हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली बड़ी मैं काफी चिल लड़की हूँ और मतलब मैं काफी मुझे लगता है मैं मुझे लड़ाई झगड़ा एक्चुअली पसंद नहीं है लाइफ में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो खासकर अपने जो सिर्फ एक दो सिर्फ मैं दो लोग मेरे एक मेरी एक दोस्त है और मेरा एक भाई है, इन दोनों से मैं कभी भी झगड़ा कर सकती हूँ, मेरे भाई से और एक मेरी दोस्त है इन दोनों से। लेकिन इसके अलावा मुझे झगड़ों में पड़ना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को हमेशा लगता है यार बातचीत करके या तो मामला सलटा लो या फिर छोड़ ही दो, बात करो ही मत, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फाइटिंग एंड यू नो इट्स जस्ट आई फील वर्ड्स व्हेन यू वर्ड्स कैन हैव बी वेरी हर्टफुल यू नो। सबसे ज्यादा मार जो होती है वो किसी झापड़ या किसी नहीं वो शब्दों की मार होती है। और दूसरा मुझे लगता है कि लोग समझते हैं कि मैं कोई बहुत ही मतलब ऐसे रेडिकल फेमिनिस्ट हूँ और एक बहुत ही ऐसे यू नो लाइक पता नहीं क्या मेरे बारे में इमेज लोगे। मैं एक्चुअली बहुत ही बोरिंग लड़की हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं पिछले 3 महीने से अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ, मैं बिल उनको मतलब मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके बारे में मेरे माँ बाप को पता नहीं है। तो मेरी कोई ऐसी बड़ी एक्साइटिंग लाइफ नहीं है, मेरे सारे लाइफ की डिटेल मेरे सारे लोगों को पता होती है, मेरे माँ बाप को सब कुछ मतलब बिल्कुल, मेरे सारे दोस्त सब बिल्कुल ही पारिवारिक मामला है। मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ परिवार को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली में यू नो फैमिली के साथ रहना और ये सब। एंड कुल मिला के मैं एक्चुअली काफी ये ऐसे बिलीव करना मुश्किल है लेकिन मैं काफी पारंपरिक वैल्यू सिस्टम में विश्वास रखती हूँ और ये सब। अब लोगों को ये लगता नहीं है तो मुझे मैंने अभी गणेश चतुर्थी हुई तो मैंने हमारे घर में पूजा हुई थी तो मैंने उसके फोटो लगाए तो लोगों का यार तुम पूजा करती हो, मैंने कहा हाँ हाँ तुम भगवान में विश्वास रखती हो, मैंने कहा हाँ हाँ क्यों, लाइक यू नो सो इट्स वेरी फनी लाइक लोग ये सब चीजें ऑब्वियसली आपको पता नहीं होती है लोगों को तो वो ठीक है। अब ये आपने कहा ये काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि एक्चुअली रियल लाइफ में आप बहुत ही सीधी साधी है, आप झगड़ा करने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपका आपका जो ट्विटर अवतार देखे तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल, आउटस्पोकन, ऑलवेज अग्रेसिव, रेडी टू फाइट, ये आपका अवतार है। तो हाउ विल यू क्लैरिफाई या हाउ विल यू जस्टिफाई इट, क्योंकि आपका एक अवतार, आपकी इमेज जो लोगों में बनी हुई है ये वही है कि ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी हुई है स्वरा। देखिए झगड़े अलग अलग किस्म के भी तो होते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जब आप जब मुद्दों पे हो रही है बहस, जब किसी ऐसे मुद्दे पे बहस हो रही है जिससे हमारे समाज को फर्क पड़ेगा, जब किसी ऐसे मुद्दे पे बहस हो रही है जिससे हमारे हमारी दुनिया पे असर पड़ेगा, या जब कोई हमारे समाज में कोई क्राइम हुआ है तो उसपे जो बहस होती है वो कोई निजी बहस तो है, वो अपनी निजी तो है नहीं, वो एक बहस है जो एक तरीके से सही और गलत के बीच में बहस है। तो ऐसे बहस में तो मुझे लगता है कि हर किसी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब जो है हम सब जिम्मेदार हैं अपने समाज के लिए। फॉर एग्जाम्पल चूंकि आप गुजराती प्लेटफॉर्म हैं तो 2016 में आपको याद होगा ऊना में एक बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ था, ऊना में जो दलितों को जीप से बांध के पीटा गया था। अब उस मुद्दे पे मुझे लगता है कि हम सबको लड़ना चाहिए और खड़े होना चाहिए उन पीड़ित लोगों के साथ। तो ये कोई निजी तुम्हें तो है नहीं ना, ये तो ये नहीं है कि वो मैंने ऐसे तूने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा, तूने ऐसे क्यों कहा, ये इट्स नॉट दैट। तो मैं इन मुद्दों को एक वैचारिक, मैं झगड़ा नहीं देखती हूँ, मैं उसको एक वैचारिक मतभेद देखती हूँ, मैं उसको एक विचार की लड़ाई देखती हूँ। और मुझे लगता है वो लड़ाई तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो सही और गलत के बीच की लड़ाई है, वो आप अपने आदर्शों के लिए लड़ाई करने। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये तू तू मैं पढ़ने में मुझे
पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, और जब मुझे जबरदस्ती उसमें घुसा दिया जाता है तो मुझे हमेशा लगता है कि यार इस चीज को खत्म करो, कैसे इसे बंद करो, इस बहस को। हर बार देखा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है उसमें आपके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल मैटर ऐसी होती है, तो क्या इसका मतलब ऐसा समझा जाए कि बहुत जल्द हम स्वरा भास्कर को इलेक्शन लड़ते हुए भी देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग देखिए, पॉलिटिकल होना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुसना, मतलब एक राजनीतिक नजरिया रखना और चुनावों की राजनीति में चुनाव लड़ जाना, बहुत अलग चीजें होती हैं ये दोनों चीजें, है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अलग एग्जांपल दूंगी कि औरतों को वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो 20वीं सदी थी उसका बहुत बड़ा मुद्दा था कई देशों में, है ना, और ये एक राजनीतिक मुद्दा था, इस पे एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई जिसमें वो सफ्रगेट्स जो थे उन्होंने अपने आप के लिए इंग्लैंड में वोट करने का हक जीता। तो वो भी एक तरीके की राजनीति है जो लोगों के हकों की लड़ाई है, और एक तरीके की राजनीति है जिसमें प्रोटेस्ट मूवमेंट होते हैं, जिसमें जो भी कह लीजिए आप, मतलब वो हमारी आजादी की लड़ाई जो थी जिसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और एक होती है चुनाव में खड़े हो जाना। तो मैं फिलहाल तो मेरे अंदर कोई ऐसा प्लान नहीं है फिलहाल के लिए, चुनाव में खड़े होने का कोई प्लान बिल्कुल नहीं है, लेकिन राजनीतिक होना वो मुझे लगता है कि खास करके अगर आप आर्टिस्ट हैं तो फिर उसका सिर्फ ये मतलब है कि आप अपने अपने समाज और अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, और वो इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। मैं ये जरूर कहूंगी मैम कि जब लोग कहते हैं ना कि ओ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, क्या कत्ल को कत्ल बोलने में क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है ना। अगर हम ऐसे वक्त पे जी रहे हैं जहां कत्ल पे भी किसी किस्म का पर्दा डाला जा रहा है और फिर आप वो पर्दा फाश कर रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रोवर्शियल काम नहीं कर रहे हैं, आप मुझे लगता है समाज की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो that's my perspective. किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक आपको ऑफर मिली है? कौन पालेगा ऐसा बवाल इसमें आपका जो किरदार है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब्जेक्ट पर इसके पहले भी फिल्में बनी है, जैसे मर्दानिया शिवाय, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है, ये जो सीरीज है किस तरह से अलग है? कितना काफी स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखकर मुझे लगा काफी डीप रिसर्च की गई है, बहुत ही डिटेलिंग में बारीकी से इंसिडेंट्स जो है वो एलैबोरेटली इसमें बताए गए हैं। सो हाउ डू यू फील कि ये किस तरह से डिफरेंट है दूसरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मूवीज या सीरीज से? देखिए मैम, मुझे लगता है कि इसके अलावा जो अभी मतलब हाल अभी तक जिस किस्म का ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कंटेंट आया है वो उसमें बेसिकली ये अपना मर्दानी, मेजर फिल्मों में से मर्दानी था, और लव सोनिया करके फिल्म आई थी जो एक्चुअली एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी, बॉलीवुड की फिल्म में नहीं थी, और लक्ष्मी करके एक फिल्म आई थी। इसके अलावा एक्चुअली आई थिंक शायद हमने नहीं देखा है, और शोज अगर आए हों या नेटफ्लिक्स पे कुछ आया हो तो मैंने वो देखा नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्मों के साथ क्या होता है ना कि आपको बड़े फोकस ढंग से एक कहानी पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जैसे मर्दानी में रानी जी का किरदार है जो ट्रैफिकिंग एक पकड़ने के चक्कर में, चूंकि सीरीज है और उसमें आपको 8 एपिसोड का वक्त है, आप एक जगह आप एक कहानी 2 घंटे में बता रहे हैं, एक जगह आप एक पूरी दुनिया को 8 घंटे में बसा रहे हैं, वो फर्क है। तो मुझे लगता है कि जिस लेवल की डिटेलिंग पे हम जा पाए हैं और जिस लेवल के हर पहलू को हमने टटोलने की कोशिश की, कम से कम छूने की कोशिश की है, हर पहलू को हमने दर्शाने की कोशिश करी है, वो उसमें कुछ वो नहीं, वो फॉर्मेट की वजह से है कि वो फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपको उतना वक्त दे रहा है कि आप हर डिटेल में जा पाए। मतलब आपने ट्रेलर अगर देखा तो आपने देखा होगा कि अब अगर लड़कियों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है बंबई से कलकत्ता, जहां पे ट्रक रुकेगी नहीं कहीं, उनको निकाल नहीं सकते, तो बाथरूम कैसे जाएंगी, और एक शॉट है कि वो डायपर पहन रही है, एडल्ट डायपर पहन रही है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग सा शॉट है, लेकिन आप सोचो कि उस डिटेल पे गए हैं और वो आपको इस दुनिया के की घिनौने रूप के बारे में क्या बताता है। तो ये मेरे को मेन फर्क तो ये लगा, फॉर्मेट का फर्क है।
राइट, रियल इवेंट्स पर बेस्ड है ये सीरीज। रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था इस कैरेक्टर के हैंगओवर से बाहर आना? मैं तो इस कैरेक्टर के हैंगओवर से आना ही नहीं चाहती बाहर, बिकॉज ये इतनी अच्छी निडर कैरेक्टर है जो इतना समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर की कुछ भी अच्छाई अगर मैं खुद अपने अंदर ले पाऊं तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपको अपने खुद को प्रिपेयर करना इस रोल के लिए? कितने इंटरेक्शंस किए आपने अलग अलग लेवल के पुलिस ऑफिसर्स से इसके लिए? मैंने मैंने काफी सारे पुलिस ऑफिसर से बात की, मैंने काफी सारे पुलिस ऑफिसर से उनकी जिंदगी के बारे में समझने की कोशिश की, उनकी राय, उनका काम, मर्द औरत दोनों, और मैंने इसके अलावा मैंने ऑफ कोर्स गन की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, जो सबसे कठिन चीज साबित हुई मेरे लिए। मुझे लगता मैं गन के सामने तो मैं फेल ही रही, और थैंक गॉड। सॉरी, गन के साथ जो आपका अनुभव रहा वो पहली बार था? वो पहली बार था, वो मुझे समझ में आ गया कि मैं पुलिस वाली क्यों नहीं हूँ असली जिंदगी में, क्योंकि गन चलाना मेरे बस की बात ही नहीं है। तो गन के साथ बड़ा ही फेल वाला अनुभव रहा, लेकिन उसके साथ रिग होना एक्शन में, जो केबल्स वेबल्स लगाते हैं उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि वो आपको यहाँ से रिग करते हैं, लेकिन आपको अपने कोर को इतना स्ट्रांग रखना पड़ता है कि आप हवा में भी जब हो तो आप ऐसे गिर ना जाएं और आप सीधे रख पाएं अपने आप को, तो यू नो बॉडी को आप एक अलग तरीके से समझने लगते हो। और फिर मुझे दौड़ने की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, क्योंकि दानिश ने पहली बार जब मुझे दौड़ते हुए देखा उसने कहा कि ये क्या है ये, और उसने एक मेरा किरदार का नाम रखा फत्तो आपा, क्योंकि तुम फत्तो आपा की तरह दौड़ रही हो, पुलिस वाली हो तुम, तो मैंने ऐसी दौड़ने की क्लासेस करी है, मैंने दौड़ने की ट्रेनिंग ली है मैंने, तो वो इस किस्म की काफी मैंने प्रेप की जो काफी मजेदार था। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको क्या लगता है कितना बड़ा एक्सपोजर लेकर आए हैं सब तरह के आर्टिस्ट के लिए, एक्टर्स के लिए? आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुल रही है सबके लिए अभी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट ओटीटी ने जिस किस्म का स्पेस दिया है और जिस किस्म का प्लेटफॉर्म दिया है, न सिर्फ नई कहानियों को, नए किरदारों को, बल्कि नए एक्टर्स को, और वो बहुत ही बेहतरीन है, एंड सॉरी वो बहुत बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है, वो बदल देगा कंटेंट के स्पेस को, और खास करके अब कोरोना की वजह से, मतलब आई थिंक किसी को लगा नहीं था कि ओटीटी इतना उभर के आएगा, और वो कोरोना की वजह से हुआ है। और तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, ओटीटी ने ना सिर्फ नई कहानियां, नए किरदार को जगह दी, उन्होंने नए एक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है, ऑलरेडी जो एक्टर्स थे काम कर रहे थे उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, और उसने हमें नए किस्म के स्टार दिए हैं। मतलब मुझे लगता है कि पंकज त्रिपाठी सर, जो कि आई थिंक हमारे देश के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से हो सकते हैं, फाइनली जाके इतने सालों के बाद उनको उनकी जो जिस तरीके की उनकी टैलेंट है उसके भरपूर अब उनको नवाजा जा रहा है, और वो प्यार मिल रहा है, वो दर्शक मिल रहे हैं, वो रोल मिल रहे हैं, तो या जयदीप हो गए, अहलावत जो पाताल लोक के एक्टर हैं, या कई सारे ऐसे लोग, तो ये बहुत मेरे लिए आई थिंक कि ओटीटी एक बहुत अच्छा स्पेस है जिसने ये दिया, और कोविड की वजह से जिस तरीके से मुखर प्रखर रूप में वो ओटीटी ऊपर आया है, मुझे लगता नहीं कि किसी हमने में हम में से किसी ने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिनेमास को आप कितना मिस कर रही हैं ये कोविड के समय पे? बहुत सारा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कोविड खत्म हो, हम शूट कर पाएं, जल्दी से सिनेमा घर खुले, हम थिएटर्स में फिल्म देख पाएं, वो एक अलग सामाजिक एक्सपीरियंस है, एक अलग सोशल एक्सपीरियंस है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, और उसका कोई दूसरा जोड़ नहीं है। लॉकडाउन के समय में आपने ऐसा क्या कुछ सीखा या क्या कुछ नया किया जो आप बहुत समय से करना चाह रही थी लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पा रही थी? मैंने किताबें पढ़ी, मैंने कोशिश करी खाना बनाने की, फिर मैं उससे फेल हो गई तो मैंने छोड़ ही दिया वो, मैंने ये जो मेरा ये जो कुत्ता है बोडो, इसको अडॉप्ट किया था मैंने 2 दिन पहले लॉकडाउन के, मतलब इत्तेफाकन, तो पहली बार मैंने कुत्ता पाला है, तो इसके साथ मैंने दोस्ती कर ली है ना मेरा, ठीक है, दोस्ती करी कि नहीं करी? कितना अटैच हो गया वो आपके साथ अभी? काफी सारा, मेरे रूम में सोता है, मेरे सर के ऊपर नाचते रहता है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं वो। काफी टाइम डेडिकेट करना पड़ता है उनके लिए। या एब्सोल्युटली
अभी तो मुझे लग रहा है कि बेचारा पता नहीं जब हमारे शूट शुरू होंगे तो हम गोडो को साथ ले जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। That's great. और ये फ्लैश के लिए आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी गुजराती में? मैं बोलना चाहूंगी, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल गुजराती में बहुत ही टूटी फूटी है मेरी गुजराती, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अच्छा, मतलब फ्लैश सू छे साड़ू छे, बस आओ जो फ्लैश देखने आओ जो हो તમે જેટલા આઉટસ્પોકન છો, તમે જે રીતે ક્લેરિફાય કર્યું તમારી કોન્ટ્રોવર્શિયલ ઇમેજના ઉપર, ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે આટલી વાતચીત કરવા બદલ. આઈ હોપ આપ સમજ રહી મેં ક્યાં બોલ રહી હું. થોડા બહોત यही मैं कह रही हूँ कि आपकी कंट्रोवर्शियल इमेज पर और दूसरे पहलुओं पर जिस तरह से आपने बातचीत की है, ऑफ कोर्स आपकी सीरीज के बारे में आपने बातचीत की है, वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू. प्लीज फ्लैश देखिए इरोस नाउ पर. और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. ओके बाय.